नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इसके कई माने निकाले जा रहे हैं और अखिलेश यादव और मायावती को मिर्ची भी लगी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले पूरी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार यानी 14 मार्च 2023 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सीएम योगी ने शंभुनाथ द्वारा लिखित भक्ति आंदोलन और उत्तर धार्मिक संकट पुस्तक पीएम मोदी को गिफ्ट की। आपको बताते चले कि भक्ति आंदोलन और उत्तर धार्मिक संकट में शंभुनाथ ने भक्ति कविता को भारतीय उदारवाद के एक आध्यात्मिक इंद्रधनुष के रूप में देखा है और उसे असहमति के साहित्य के रूप में उपस्थित किया है। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और पूर्वी भारत के भक्त, संत और सूफी कवियों की संस्कृति भीरस्वर को उजागर करते हुए कबीर, सूरदास, मीरा जैसी और तुलसीदास के योगदान का विस्तृत पुनर्मूल्यांकन है। आपको बता दें कि इसके एक और ये मायने निकाले जा रहे हैं कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और इसको लेकर यूपी की रणनीति क्या होगी, इस पर बातचीत की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, तो इन दिनों ये लोग भी अपनी अपनी प्लान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि देखकर अब चर्चाएं कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये औपचारिक ऐलान है, औपचारिक मीटिंग थी, ये राजनीतिक मसला नहीं था, लेकिन अब इसको लेकर लोग कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि सीएम योगी मोदी से मिलकर क्या कुछ बातें की होंगी और किस मसले पे बातचीत हुई, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।